हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड स्पेशली वेलकम टू आवर यूट्यूब लाइव। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तगड़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत दिन बाद हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं। लास्ट लाइव सेशन हमने 6 नवंबर को किया था, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप लाइव सेशन करना बंद कर दिया क्या। डोंट वरी, अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, जैसे ही फ्री होंगे आपके साथ आएंगे, इस तरह से लाइव इंटरेक्ट करेंगे। सो वेलकम टू आवर लाइव सेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आज हमारे चैनल 15 दिसंबर 2022 को हमारे चैनल इस फिजिक इंजीनियर पे 55,555 सब्सक्राइबर हो गए। सो थैंक्स अ लॉट, दिल से तहे दिल से शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, वीडियोस को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो जो नए सब्सक्राइबर्स आए हमारे चैनल पे उनका बहुत बहुत वेलकम। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिल रही होगी। हमारा चैनल फिटनेस बेस्ड है, यहाँ पर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, वर्कआउट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस आते हैं और अभी तक हमारे चैनल पर 760 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। सो इन वीडियोस को एंजॉय करिए, मज़ा लीजिए, सीखिए और अपना फीडबैक दीजिए। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल। हमारे साथ लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। हेलो, वेलकम शिवतेज जी, मेडिटेशन जी, हेलो सोमनाथ जी, हेलो हेलो सिद्धांत जी, हेलो ब्रजेंद्र सर, हेलो राइडर जी, हेलो शिवतेज जी, हेलो पंडित जी, हेलो शिवतेज, हेलो राइडर, हेलो सुखेंद्र जी। मैं आप सब लोग को वेलकम करना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आपको आ रही है कि नहीं? हमारे साथ लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं, धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। सो जब तक लोग जुड़ते हैं तब तक मैं आपको एक बड़ी ही अमेजिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है। ये एक रिलीजियस स्टोरी है, सो आप किसी भी रिलीजन के हो तो सुनिए, अच्छा लगेगा आपको, ज्ञान कहीं से भी मिले, कहीं किसी भी रिलीजन का हो हमें ग्रैब करना चाहिए, हमारे बहुत काम आता है। सो इस स्टोरी को आप सुनना चाहते हैं तो यस लिख दीजिए साइड से, क्या आप ये स्टोरी सुनना चाहते हैं? यस, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। ओके, सो इस स्टोरी के 3 किरदार हैं, 3 कैरेक्टर हैं स्टोरी में। पहला कैरेक्टर है ब्रह्मा जी, जिनको क्रिएटर बोलते हैं, इस दुनिया का रचयिता बोलते हैं, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे हैं सरस्वती जी, जो एक गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। और तीसरे कैरेक्टर हैं लक्ष्मी जी, जो कि शी इज़ द गॉडेस ऑफ वेल्थ, सुख समृद्धि, पैसों की देवी मानी जाती हैं। सो एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी के पास लक्ष्मी जी पहुँचती हैं और बोलती हैं, ब्रह्मा जी मुझे कुछ वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ओके मैं आपको वरदान देता हूँ, तुम किसी के पास भी जा सकती हो लेकिन छीनने का अधिकार मेरे पास होगा। लक्ष्मी जी ने जब ये सुना तो बोला, अच्छा वरदान है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और फिर वहाँ से चली गई। जब इस वरदान के बारे में सरस्वती जी को पता चला तो उनको लगाया, मुझे भी मिलना चाहिए कुछ वरदान, है ना? कैसा भी हो, दो अगर फीमेल हैं तो आपस में थोड़ी बहुत जेलसी तो होती है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। तो सरस्वती जी को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए, तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। बोली वो कि ब्रह्मा जी, आपने लक्ष्मी जी को तो इतना अच्छा वरदान दिया, मुझे भी कुछ वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला, तुम किसी के पास भी जा सकती हो और छीनने का अधिकार मेरे पास भी नहीं होगा। आई होप आपको स्टोरी बड़ी अच्छी लगी होगी, ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। इसी स्टोरी से वो कहावत निकल के आई कि ज्ञान आपसे कोई लूट नहीं सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता। सो इसलिए हमको नॉलेज, ज्ञान पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग, क्योंकि जितना आपके पास ज्ञान होगा, अगर आपसे कोई छीनेगा, आप किसी को देते हो, तो उतना बढ़ता ही जाता है। पैसों का ऐसा नहीं होता, पैसे आज हैं कल नहीं हैं, परसों आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, हो सकता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं पैसे, इसलिए पैसे का क्या नेचर होता है, फ्लोइंग, इसलिए पैसों को कभी लिक्विड भी बोला जाता है। उसका नेचर होता है कि फ्लो होता रहता है, एक से दूसरे के पास जाता रहता है। जिसके पास, एक बड़ी अच्छी कहावत है ब्रिटिश में, इफ़ अ पर्सन विथ एक्सपीरियंस मीट्स विद अ पर्सन ऑफ मनी, अ पर्सन विथ मनी एंड विथ हैविंग एन एक्सपीरियंस, एंड अ पर्सन विथ एक्सपीरियंस एंड विथ हैविंग मनी। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है और जिसके पास पैसा है, अगर पैसे वाला एक्सपीरियंस वाले के पास मिलता है तो एक्सपीरियंस वाले के पास पैसा आ जाता है और पैसे वाले के पास एक्सपीरियंस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, जो एक एडवाइस मेरी आप फॉलो करिए कि हमेशा जो भी अर्निंग हो, डिस्पाइट
क्या आप कमाते हैं, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज एक नॉलेज बजट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 कमाते हैं, 1,00,000 कमाते हैं, 10,00,000 कमाते हैं, 1,00,000,000 कमाते हैं, 10,00,000,000 कमाते हैं, 100,00,000,000 कमाते हैं, जो भी आप कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज, वो परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हैं, चाहे 1% हो, चाहे 2%, 5%, 10%, वो आप साइड में रखिए और अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करिए, कुछ सीखने पे इन्वेस्ट करिए। कुछ आप कोर्सेस ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, बहुत सारे वेबिनार एक्सपीरियंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहाँ जाके आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, अपनी वैल्यूज़ बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जितना आप नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं उसका 10 गुना 100 गुना होकर वो आपको ही वापस मिलता है। सो लर्निंग पे ही बढ़ाइए, तभी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। वो एक बड़ा अच्छा सा कोट है कि फर्स्ट यू लर्न देन यू रिमूव द एल, सो लर्निंग अर्निंग में बदल जाती है। सो यहाँ पर कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सीखने की कोशिश करिए, लर्निंग पे फोकस करिए, अपनी एजुकेशन पे फोकस करिए। अगर आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप पढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़े दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, जो पढ़ सकता है सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है। टुमारो बिलोंग्स टू दोस हु प्रिपेयर इट फॉर टुडे, आगे का भविष्य उन्हीं लोगों के लिए होता है जो आज उसकी तैयारी करते हैं। सो आज आप मेहनत करिए, पढ़िए, लिखिए, और फ्यूचर में आप जो भी आपके ड्रीम्स एस्पिरेशन है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। आप जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, मोर ऑफ द स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी नज़रों में स्टोरी क्या है, कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। साइड में मुझे लाइव चैट दिख रहे हैं, सो आप अपनी राय देख सकते हैं, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा वो मुझे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। साइड में कमेंट में पढ़ रहा हूँ, ये लाइव सेशन है, सो साइड में आप कमेंट कर सकते हैं। हेलो जी शिवतेज जी, हेलो अभिजीत जी, हेलो दीपक जोगी जी, हेलो 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 सुप्रीत जी, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और वीडियो जैसे मैंने आपको बताया लर्निंग पे, तो आज हमारे चैनल पे 55,555 सब्सक्राइबर हुए, इस खुशी में मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हूँ। और जब जब मैं लाइव जुड़ता हूँ तो आपको कमाल के ऑफर दे के जाता हूँ, बोनस दे के जाता हूँ, कुछ गिफ्ट दे के जाता हूँ। सो आज का स्पेशल गिफ्ट आपके लिए है, ज़रा गेस कर सकते हैं आप? गुड गुड, यस, हमारा जो एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स होता है उस पर आज 50% का ऑफ हम दे रहे हैं, 50% पूरे 50%। सो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करिए, अपॉर्चुनिटीज कम ही आती हैं, जब भी मिले ग्रैब कर लेना चाहिए। और ख़ास तौर से स्पेशली आपके लिए हमने प्रॉपर फिटनेस लर्निंग प्लेटफॉर्म नया डेवलप किया है, जिसका एड्रेस है www.courses.physiqueengineer.net। तो इस वेबसाइट पे आप जाके बहुत सारे फिटनेस लर्निंग जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास वहाँ पर 40 से ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल है, डाइट, न्यूट्रिशन, फिटनेस, वर्कआउट, मोटिवेशन के। सो उन चीज़ों को ग्रैब करिए, पढ़िए और दिन दोगुनी तरक्की करिए, ठीक है? और आज स्पेशली हमारा जो एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये इंटरनेशनली वैलिड है। अगर आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं आप वहाँ से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही आप कोर्स पे एनरोल करेंगे तो वहाँ आपको हमारी जो एक्चुअल कोर्स की प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है। आज हम आपको 50% का ऑफ दे रहे हैं, तो प्राइस हो गई कितनी, 5,000 रुपीज़ ओनली। और आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे इंडिया के हों चाहे बाहर के हों, आप कोर्स परचेस कर सकते हैं और आप सबको सिमिलर रेट मिल रहा है, 5,000 रुपीज़ ओनली। अगर आप इंडियन हैं तो जब आप चेकआउट करें तो लोकेशन आप किस स्टेट में हैं सेलेक्ट कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए और पेमेंट करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री में, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अमेरिका, इंडिया, लंदन, सॉरी इंडिया तो इंडिया ही है, नेशनल है, कोई भी वर्ल्ड की कंट्री में आप रहते हैं, तो आप जब चेकआउट करें तो लोकेशन में आउटसाइड इंडिया करके ऑप्शन आता है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड कर दीजिए पेमेंट को, तो आपका पेमेंट हो जाएगा, आप एनरोल हो जाएंगे। जैसे ही आप एनरोल करते हैं तो आपके लॉगिन और पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं, अपना फ़ोन नंबर रखते हैं वहाँ पे, तो जब भी आप एसेस करेंगे फिर से तो आपको माय कोर्स सेक्शन में आपके दिख जाएगा आपने जो भी कोर्स खरीदा है। कोर्सेज 40 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, हर तरह के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल फैट लॉस पे, मसल गेन पे, जो बहुत सारे स्पेशल पॉपुलेशन की चीज़ें होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, साइनस हो गया, थायराइड हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ की चीज़ें हो गई, वहाँ पर मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन की बुक मिल जाएंगी आपको, डाइट की बुक मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको हमारे कोर्स वेबसाइट में। इसका ऐप भी है, अगर आप
एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से फिजिक इंजीनियर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी, वहाँ से अपने फ़ोन के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आजकल दुनिया इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आपके हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी से एक्सेस करके अपनी एजुकेशन, अपने नॉलेज को आप धीरे धीरे करके बहुत बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप दिन में 24 घंटे मान लीजिए 7-8 घंटे सोते भी हैं, आप जो भी आपका काम करते हैं 8-9 घंटे, उसके बाद भी जो भी आपके पास टाइम बचता है तो 1-2 घंटा अपने दिन का निकालिए, सेपरेट रखिए, 24 घंटे में 2 घंटे अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए दीजिए ही दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक नॉलेज बजट होना चाहिए आपकी अर्निंग का, वैसे ही सिमिलर आपका एक टाइम बजट भी होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, जहाँ पर आप उस एजुकेशन को अपने बढ़ाते रहिए। अगर आप पढ़ते हैं तभी आप आगे बढ़ते रहते हैं, सो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए, कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट सर आपने कोर्स पे एनरोल किया, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट, गुड, हेलो, थैंक्स अलॉट सर, गुड। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़, हमने अपना प्रॉपर नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है courses.physicsengineer.net। सो यहाँ पर फिजिक इंजीनियर एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, जो हमारे पुराना कोर्स था जहाँ जो स्टूडेंट हैं नियर अबाउट 80% तो सबका बैच ख़त्म हो चुका है, एनरोल पूरा हो चुका है, तो जो लोग बच गए हैं, क्योंकि कोर्सेज क्या होते थे एक एक मंथ के होते थे, एक मंथ पे जनरली कोर्स हो जाता है नियर अबाउट 296, वहाँ पर HD वीडियोस होते हैं जिनको अगर आप 10 वीडियो एक दिन में भी देखेंगे तो भी 30 दिन में बड़े आराम से हो जाता है, और महीने की लास्ट में पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, आप घर में बैठ के पेपर दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर, मैच द फॉलोइंग चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो आप नॉर्मल सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। महीने की 30 तारीख को शाम 4 बजे एग्ज़ाम होता है। तो जिन जिनों ने हमारा पुराना कोर्स लिया था, जो पुराने सिस्टम में थे, वो सिंपली अपना मेल चेक करिए, क्योंकि हमको पिछले कई दिनों में कई सारे मेल्स मिले, हमारी टीम को कई सारे फोन आए कि हमारा कोर्स नहीं चल रहा है, तो सिंपली आप अपना मेल चेक करिए। वहाँ पर 30 नवंबर को हमने आपको एक मेल भेजा था, उस मेल का टाइटल था बिगेस्ट गिफ्ट फॉर यू, जहाँ पर हम आपको नए प्लेटफॉर्म पे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, सिर्फ आपको टैक्सेस पे करने थे और सिस्टम कन्वीनियंस फीस जो होती है वो छोटी सी पे करनी पड़ती थी, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए था ये सब। तो उनको अपने मेल में मिल गया होगा, ये आप अपना इनबॉक्स चेक कर सकते हैं, 30 नवंबर 2022 इस दिन का मेल चेक करिए, इनबॉक्स में चेक कर सकते हैं, प्रमोशन सेक्शन होता है मेल में आजकल, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ पर डिटेल में हर चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, सो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट, गुड शिव तेज जी, गुड, हेलो, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना, नमस्ते अमित जी, नमस्ते राइडर्स जी, गुड गुड, हेलो अभिजीत जी, हेलो दीपक जोगी जी, हेलो, गुड गुड। यहाँ पर आप साइड में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है, गुड। यहाँ पे आपको कोई भी और डाउट हो कोर्सेस रिलेटेड तो हमारा फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन सेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है हमारे वेबसाइट में, ठीक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे सबका लिंक मिल जाएगा आपको। और ये जो मैंने आपको 50% का ऑफर दिया है, ये सिर्फ केवल आज के लिए ही वैलिड है, आज रात में ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, सो मेक श्योर आप आज ही एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। हमारा नए साल में ये प्रोग्राम है, कुछ नई चीज़ें लॉन्च करें, जो कोर्स के प्राइस हैं वो भी हम इंक्रीज करेंगे नए साल से, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 कोर्स का प्राइस चल रहा है अभी, तो हम उसको नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली 15,000 कर देंगे। सो ये बहुत ही अच्छा मौका है, अभी 15 दिन बाकी बचे हैं इस दिसंबर, इस साल को ख़त्म होने के लिए, सो इसका फ़ायदा उठाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है, और कहीं से भी आप एसेस कर सकते हैं सर, आप चाहे नेशनल स्टूडेंट हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हर जगह कोर्स वैलिड होता है। कोर्स की क्रेडिबिलिटी देखी जाए तो कोर्स हमारी कंपनी फिजिक इंजीनियर MSME रजिस्टर्ड कंपनी है, हम जो ISO सर्टिफिकेशन होता है 9001:2015 वो सर्टिफाइड है, ब्रिट क्वालिस लंदन से एक अफिलेटेड कंपनी है, आपको सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट का स्किल इंडिया प्रोग्राम होता है उसकी रजिस्टर्ड ट्रेनिंग सेंटर ID हमारे पास, ट्रेनिंग प्रोवाइडर ID है, तो बहुत सारी चीज़ें अफिलेशन आपके पास हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारा जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का जो एक लुक होता है ना,
बड़ा ही अमेजिंग है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ क्लिक करके देख सकते हैं सर्टिफिकेट, बड़ा ही प्यारा सर्टिफिकेट है, गोल्डन सर्टिफिकेट है, ब्लैक बैकग्राउंड में बहुत ही अमेजिंग दिखता है। सो मेक श्योर आप कोशिश करिए कि आपका नाम उस सर्टिफिकेट पर जरूर जरूर पहुंच जाए, है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा फोकस दिखाना है, लर्निंग करनी है और आगे बढ़ते रहना है। उम्मीद करता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं, ज़्यादातर मेरे चैनल पे फिटनेस ट्रेनर्स जुड़े हैं, जिम ऑनर्स जुड़े हैं, फिटनेस सिलेक्टेड जो लोग हैं वही जुड़े हुए हैं। सो थैंक्स अ लॉट, गुड। यस जयेश जी, आप एप्स वर्कआउट कर सकते हैं जब आप गेन कर रहे हो। मेन क्या होता है ना, अक्सर लोग गेनिंग जब करते हैं तो एप्स का वर्कआउट छोड़ देते हैं कि भाई एप्स अभी हट ही जाएंगे, विजिबल नहीं होंगे तो क्यों एप्स पर ट्रेनिंग करें। लेकिन क्या होता है, एप्स एक बहुत बड़ा मसल ग्रुप होता है। जैसे हमारे कोर्स में हमने आपको पढ़ाया ना एब्डोमिनल मसल ग्रुप, तो एब्डोमिनल मसल ग्रुप में चार मसल होती हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ऑब्लिक हो गए, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनस, और एक और छोटी सी मसल होती है पैरामीडियलिस, तो बहुत छोटी इसलिए उसको ध्यान नहीं जाता। लेकिन चार आपकी बड़ी मसल है, पूरा आपके मिड सेक्शन को एज अ बेल्ट की तरह कवर अप करके रखती है। तो अगर आप उनको ट्रेनिंग करते हो तो आप जब आप गेन भी कर रहे हो तो क्या होता है, आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है वो बढ़िया होती जाती है और आपकी जो मसल है वो थिक होती जाती है। थिक होती जाती है तो क्या होगा, जब आप हायर परसेंटेज पे भी रहेंगे तो भी आपके एप्स विजिबल होंगे, और अगर आपके एप्स स्ट्रेंथन है, स्ट्रांग है, मजबूत है, तो बाकी जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हैं वहां पर आपकी जो कोर मसल है एज अ स्टेबलाइजर इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करके रखती है जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी है, आप स्क्वाट परफॉर्म करते हैं, हैवी स्क्वाट परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने वजन का 2x 3x परफॉर्म करते हैं, जैसे 60 किलो के हैं आप 180 का डेडलिफ्ट मारते हैं, 120 का डेडलिफ्ट मारते हैं, 150 का डेडलिफ्ट मारते हैं, तो वहां पर क्या होगा, जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, जब आप लिफ्ट करेंगे तो आपकी कोर स्ट्रांग है तो आपको हेल्प करेगी। जब आप स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप नीचे जाएंगे तो आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प करेगी अगर आपकी कोर मसल स्ट्रेंथन है। हर एक्सरसाइज में जो भी हम जिम के अंदर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं वहां पर आपकी जो कोर एब्डोमिनल मसल है वो एज अ स्टेबलाइजर मसल काम करती है, आपकी बॉडी को स्थिर रखती है किसी भी मूवमेंट के दौरान। सो मेक श्योर, मैं हमेशा लोगों को एडवाइस देता हूँ कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज एप्स की आपको करनी चाहिए, डेली कर सकते हैं। यहाँ पर मेक श्योर अगर आप एप्स को डेली ट्रेन करते हैं तो अपने जो एप्स की ट्रेनिंग है उसको दो पार्ट में सेग्रीगेट करिए। फॉर एग्जाम्पल मंडे से सैटरडे आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो मंडे को आप जो एप्स ट्रेन करें वो आइसोटोनिक मूवमेंट वाले एक्सरसाइज परफॉर्म करें। आइसोटोनिक कहने का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जाम्पल आप लेग रेजेस परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व हो, तो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस आप परफॉर्म करिए एप्स के दिन एक दिन। फिर दूसरे दिन आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। आइसोमेट्रिक क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रेक्शन होता है, ऐसा एक्सरसाइजेस होती हैं जहां पर आप बॉडी को होल्ड करके रखते हैं, आपकी बॉडी फोर्स जनरेट करती है लेकिन मूवमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो आप प्लैंक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपको क्या करना है, जब आप एब्स ट्रेन करें तो एक दिन आइसोटोनिक मूवमेंट करिए, फिर अगले दिन आइसोमेट्रिक मूवमेंट करिए, फिर उसके अगले दिन आइसोटोनिक मूवमेंट करिए, फिर उसके अगले दिन आइसोमेट्रिक मूवमेंट करिए। तो इस तरह से आप जब अपने ट्रेनिंग पैटर्न को, एब्स ट्रेनिंग पैटर्न को सेग्रीगेट करते हैं तो आप गेनिंग फेज में भी बड़े अच्छे एब्स को मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एब्स की स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी, आपकी कोर स्ट्रेंथ डेवलप होगी और आप बहुत फिट भी महसूस करेंगे और बॉडी के हायर फैट परसेंटेज में भी आपके एब्स विजिबल रहेंगे। तो जब आप नेक्स्ट टाइम शेडिंग में जाएंगे, फैट कट करेंगे, तो आप देखेंगे कम, आपको कम मेहनत लगेगी एप्स को विजिबल करने में, आपके हायर परसेंटेज बॉडी फैट परसेंटेज में भी आपके एप्स विजिबल रहेंगे। तो ये अच्छी चीज़ होती है, आप फॉलो करिए इस रूटीन को। हेलो गबरू जी, हेलो जयेश जी, हेलो सर। ट्राइसेप में एक ही मसल होती है, जो ट्राइसेप मसल ग्रुप होता है उसमें एक ही मसल होती है जिसका नाम होता है ट्राइसेप ब्रकाई। अक्सर क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्राई वर्ड जुड़ा है ट्राइसेप मसल में, तो तीन मसल होती है। लेकिन क्या होता है, जो ट्राइसेप मसल होती है उसके तीन हेड होते हैं। हेड कहने का मतलब जहां से मसल निकलती है उसको हम हेड बोलते हैं, है ना। हर मसल एक पॉइंट से निकलती है, दूसरे पॉइंट पे जाकर इंसर्ट होती है। तो जो ट्राइसेप की मसल है उसके तीन हेड होते हैं। पहला हेड होता है लॉन्ग हेड, ये काफी लंबा होता है इसलिए इसका नाम लॉन्ग हेड है। दूसरा होता है लैटरल हेड,
लेटरल हेड कहने का मतलब ये आपके साइड में होता है, जैसे हमने एनाटमी के जो एनाटमिकल डायरेक्शन होती है वहां पे पढ़ा था कि हमारे बॉडी के मिड लाइन से दूर जो चीज होती है उसको हम लेटरल बोल देते हैं, तो इसलिए इस हेड का नाम लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रकाई पड़ गया। ठीक है, तीसरा हेड होता है मीडियल हेड। मीडियल हेड क्या होता है, एक तरह से आपके ट्राइसेप मसल के अंदर घुसा हुआ होता है, यहाँ पे अंदर घुसा हुआ होता है, आपके लॉन्ग हेड लेटरल हेड के नीचे प्रेजेंट होता है आपका ट्राइसेप मीडियल हेड। मीडियल यहाँ पर नाम कैसे पड़ा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो बॉडी के मिड लाइन के पास जो चीज प्रेजेंट होती है उसको हम मीडियल बोल देते हैं। तो यहाँ पर तीन हेड होते हैं ट्राइसेप मसल के, इसको हम ट्राइसेप मसल क्या है, ट्राइसेप ब्रकाई, जो मसल का एक्चुअल नाम है वो है ट्राइसेप ब्रकाई। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ट्राइसेप मसल के ऊपर हमने प्रॉपर पूरे 5-6 वीडियोस बनाए हैं, वहां पर मसल के ओरिजिन इंसर्शन, मसल के फैक्ट्स, मसल के एक्शंस और मसल की ट्राइसेप मसल किस एक्सरसाइज से आप ट्रेन कर सकते हैं, कौन सी बेहतरीन एक्सरसाइज, उनके प्रैक्टिकल वीडियो, सारी चीजें हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सो आप ट्राइसेप लिखिए, आगे बाई फिजिक इंजीनियर लिख दीजिए, आपको सारे वीडियो ट्राइसेप से रिलेटेड मिल जाएंगे। होम वर्कआउट भी मिलेगा, जिम वर्कआउट भी मिलेगा, कैसे ज्यादा रिजल्ट पाए कम टाइम में ट्राइसेप के लिए वो भी वीडियोस मिल जाएंगे, ओरिजिन इंसर्शन मिल जाएंगे, एक्शंस मिल जाएंगे, और जो आपका कंफ्यूजन था कि हेड होते हैं, मसल होती है, क्या होता है, वो सारा चीज डिटेल में एक्सप्लेन की गई है वहां पर। ओके, ऑल द बेस्ट सर, गुड गुड, थैंक यू, थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट जी, थैंक्स अलॉट, गुड, थैंक्स अलॉट जी, थैंक्स, थैंक यू सर। से यहाँ पर काफ़ी देर से मैं बात कर रहा हूँ, 21-22 मिनट हो गए, थोड़े देर और रहते हैं फिर इस सेशन को क्लोज करते हैं, लाइव सेशन को, नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलेंगे किसी दिन। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत दिन बाद लाइव कर रहा हूँ, नियर अबाउट 40 डेज तो हो गई, लास्ट लाइव सेशन 6 नवंबर को हुआ था, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी लाइव सेशन कर सकूँ और इसी तरह डायरेक्टली आपसे मिल सकें। मेनली क्या होता है कि आप हमारी एक फैमिली की तरह हैं, जितना हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे बात करेंगे, अच्छा रिलेशन बनता है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल का रिलेशन नहीं है कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ हम आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत थोड़ा सा चीज़ें आती हैं मुझे जो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। दिन ब दिन मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, समझ लीजिए फिटनेस का। यहाँ पर फिटनेस के लिए मैं 2012 से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत साल, 10 साल हो गए एक तरह से फिटनेस इंडस्ट्री में, बहुत सारे ट्रांजिशंस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे हैं, तो और वही कोशिश करते हैं कि आगे तक आपको पहुँचाएं। और हाँ, मेरे यहाँ बैकग्राउंड लोग पूछ रहे हैं, तो बैकग्राउंड मैं प्रॉपर इंजीनियर हूँ और मैं लास्ट 2018 IIT BHU, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से पास आउट हूँ, IIT का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ, वहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स मैंने स्कोर किए थे, हाईएस्ट पॉइंटर स्कोर किए थे, इसलिए वहाँ का गोल्ड मेडल भी मुझे मिला। फिर उसके बाद मैं फिटनेस लाइन पे जुड़ गया, यहाँ पर मैंने कई सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस किए हैं, जैसे एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशंस होते हैं, स्पेशलाइज न्यूट्रिशन, स्पेशल पॉपुलेशन, फीमेल फिटनेस ट्रेनर, तो कई सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हैं मेरे पास फिटनेस के। और फिर कोशिश करता रहा था धीरे धीरे कुछ पढ़ने की, चीज़ें जानने की और वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सालों से इस पर काम कर रहे हैं, नियर अबाउट 40 बुक्स मैंने लिखी हैं यहाँ पर फिटनेस रिलेटेड, जो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आप हमारे ऐप में जा सकते हैं, हमारा एक प्रॉपर बुक स्टोर है, फिजिक इंजीनियर बुक स्टोर, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पर हर एक टॉपिक की आपको बुक मिल जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे नॉलेज ले सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जितना आप सीखेंगे उतना ही आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोशिश करें कि उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करिए और दूसरों को फैलाइए, दूसरों को बताइए। इससे क्या होता है, जब आप किसी का ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं तो आपको पैसे तो मिलते ही है, ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं, आप लोगों की दुआओं में आ जाते हैं और वो बहुत अच्छी बात होती है। जब आप लोगों की ब्लेसिंग, कोई आपको बोलेगा आपकी वजह से मेरा ये बीमारी ठीक हो गई, आपकी वजह से मैं फिट हो गया, आपकी वजह से मेरी बॉडी, जो मेरी तमन्ना थी कि अच्छी बॉडी मैं बना सकूँ, वो आपकी वजह से बन गई, तो ये जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन फील होगा, एकदम ऐसा लगेगा जन्नत पहुँच गए। सो कोशिश करिए, लर्निंग पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और जो आप पढ़े हैं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री ऐसी कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि ये एक्सरसाइज करो, ये डाइट लो, इस तरह से आप परफॉर्म करो, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। आप जिम में अगर काम करते हैं, ट्रेनर हैं, तो आप लोगों को एग्जैक्ट हर मसल को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिनको अगर उन्हीं एक्सरसाइज, उन्हीं रेंज ऑफ मोशन, उस टेक्निक के साथ परफॉर्म करें तो कम समय में आप ज़्यादा से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में सिखाई हैं, उन चीज़ों को
पढ़िए और उन चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कराइए। मेनली क्या होता है, जितना आप अच्छा रिजल्ट देते हैं उतने ही आपके रेस्पेक्ट होती है, एडमायर करते हैं लोग, और आप उतने ही अच्छे पैसे बनाते हैं। रिजल्ट मैटर मोस्ट, इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। जब आप अच्छे रिजल्ट लोगों को दे सकते हैं तभी आप लोगों से जुड़ सकते हैं, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आप लोगों को लोग आपको अच्छे से अच्छा पैसा देंगे, आप अच्छा चार्ज कर सकते हैं उनसे, ठीक है। सो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलते हैं ना, एक कोट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एजुकेशन इज पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ठीक है, एजुकेशन इज पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। सो बहुत अच्छा डायलॉग है ये, कोट है ये, इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करिए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो पढ़ सकता है वही आगे बढ़ सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है अनमोशी का। हाँ अनमोशी, आप बाद में भी बैच कंप्लीट कर सकते हैं, आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप एनरोल करते हैं तो क्या होता है, हमारी कंपनी की तरफ से अगर एक महीने के अंदर आप अपना एग्ज़ाम खत दे लेते हैं तो जो एग्ज़ाम होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 15 दिसंबर को आज आप एनरोल करते हैं, ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो होगा 30 जनवरी को, तो आपको यहाँ पर हम 15 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 45 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आप 45 दिन के बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे 30 जनवरी 2023 को, तो आपका जो एग्ज़ाम है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम पे करते हैं आपकी तरफ से, आपको 0 रुपये देना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 महीने 3 महीने लगाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम की फ़ीस देनी पड़ती है, छोटी सी, ज़्यादा नहीं होती है, आई थिंक डिपेंड करता है कैसा कैसा हमको सिस्टम में टैक्सेस पड़ रहे हैं, फीसेस पड़ रही है, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो कैसे कैसे पेपर सेट करते हैं, उनके चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। नियर अबाउट समझ लीजिए 1500 से 2000 के आसपास फीस होती है। आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, हर महीने की 30 तारीख को एग्ज़ाम होता है। सो अगर आप कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपको एक फ़ायदा यह हो जाता है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। होता क्या है कि जैसे आपने आज एनरोल कर लिया, आज डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 50% ऑफ मिल रहा है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। आपने आज एनरोल कर लिया तो सिंपली क्या है, आप पढ़िए, 45 दिन है आपके पास, नेक्स्ट महीने का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। अगर आप उसमें एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो आप बाद में कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको फिर से कोर्स एनरोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप एग्जामिनेशन के लिए हमेशा एलिजिबल रहते हैं, आप एग्जामिनेशन अटैम्प्ट कर सकते हैं। हमारा प्रॉपर एग्जामिनेशन फिजिक इंजीनियर एग्जामिनेशन का पोर्टल है, ठीक है, वहाँ पर आप कैंडिडेट लॉगिन बनाते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं, आपका पूरा डैशबोर्ड तैयार होता है, आपका नाम होता है, क्या एग्ज़ाम देने वाले हैं, कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, एक्टिव एग्ज़ाम, सारी चीज़ें डिटेल होती है, रिपोर्ट्स देख सकते हैं वहाँ पर, तो बहुत अच्छा हमारा पोर्टल है। तो अगर आप बाद में भी एग्ज़ाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम देना है आपको तो कोर्स एनरोल करना पड़ता है आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट सर, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। सर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट एक नहीं होते, दोनों अलग चीज़ होती है, इसके बारे हमने डिटेल में Chapter 2 में अपना बताया है न्यूट्रिशन कोर्स में, आप वो वीडियो देख सकते हैं, 40 मिनट का वीडियो है। मैक्रो मतलब क्या होता है, सिंपली आप नाम से समझ सकते हैं, बड़ी चीज़ है ना, जो न्यूट्रिएंट आपको बड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं। बड़े अमाउंट में आपको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। प्रोटीन का एग्जाम्पल दे, जैसे एग्स हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, यहाँ से आपको प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट लें तो आपका रोटी हो गया, जो राइस हो गया, ये आपके कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। ब्रेड हो गया, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। पोटैटो हो गया, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। तो ये आपको बड़े अमाउंट में आप खाते हैं। फैट हो गया, जो जैसे बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, ये आपको बड़े अमाउंट में खाना पड़ता है, कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, बड़ी चीज़। तो हमको ये बड़े अमाउंट में खाना पड़ता है, इनसे हमको कैलोरीज मिलती हैं। जो कैलोरीज क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरीज। जितनी एनर्जी हमारे अंदर जाएगी उसको हम यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके, जो भी आप दिन में सोते हैं, जागते हैं, पढ़ते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो हमको आती है मैक्रो न्यूट्रिएंट से। और वही जो माइक्रो होता है, माइक्रो वर्ड से ही समझ में आ रहा, छोटी चीज़। तो यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। हमको इनको छोटी अमाउंट में कंज्यूम करना पड़ता है। मिनरल विटामिन्स आप जैसे सोडियम, जिंक, पोटेशियम हो गया, आपका आयरन हो गया, यहाँ पर विटामिन ए, बी, सी, डी, के तक हो गए, तो ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये छोटी अमाउंट में चाहिए होते हैं। अगर आप इनको नहीं डालेंगे तो हमारे जो सिस्टम के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती, एक तरह के कैटलिस्ट का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ी गाड़ी है, ठीक है, बड़ी गाड़ी में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए नट बोल्ट चाहिए होते हैं ना, तो समझ लीजिए ये वही काम करते हैं।
अगर आप सही अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो भी अच्छे से बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, उनको यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी अपनी बॉडी में डालने पड़ते हैं। आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को अच्छा करने के लिए, स्मूथ करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए ही चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट आप सिंपली अगर सलाद कंज्यूम करते हैं, सलाद वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स सैलेड, इन सब में बहुत सारे अमाउंट में मिनरल विटामिन होते हैं, ठीक है। तो आप इनको कंज्यूम करते हैं, रॉ कंज्यूम करते हैं, कच्चा खाते हैं, तो आपको अच्छे अमाउंट में मिनरल विटामिन मिल जाएंगे। जो फ्रूट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं करते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छे अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, ठीक है। और कोई भी जो बड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसमें थोड़े बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दूध पी रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ कैल्शियम मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इस तरह से मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट फूड में प्रेजेंट होते हैं। आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने जो आप गोल है, जो अचीव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लान करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको एप्स बनाने हैं तो पर्टिकुलर आपका ये रेशियो होना चाहिए, इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट खाना है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना चाहिए। तो इस तरह का एक प्रॉपर प्लानिंग होती है जब आप अपनी डाइट प्लान करते हैं इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए। ओके, ऑल द थैंक यू सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। गुड गुड, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। यहाँ पर एक सर का इंजरी, सर हम आप विश करते हैं आप जो इंजरी से गुजर रहे हैं आप जल्दी रिकवर होंगे। यहाँ पर जो आपने प्रॉब्लम बताई है कि आपको क्लाइमेट जब चेंज होता है तो आपको पेन महसूस होता है, तो सिंपली आप क्या करिए, फ्रेनुग्रीक होता है, फ्रेनुग्रीक जानते हैं, मेथी के दाने आपने सुने होंगे, ठीक है। आप मेथी के दाने लीजिए, 10 ग्राम लीजिए, रात में भिगो के रख दीजिए, सुबह उठिए उसको कच्चा चबा लीजिए बिना ब्रश किए, निहार मुंह जिसको बोलते हैं, चबा लीजिए, ठीक है। और कोशिश हो सके तो यहाँ पर आधा चम्मच 5 ग्राम हल्दी उसके साथ कंज्यूम करके पी सकते हैं, तो आपका जो ये पेन है ये दूर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट सर, 100% दूर हो जाएगा सर, टेंशन मत लो। आप इस चीज़ को 15 दिन बस फॉलो करके देखो, हम अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में आप आके बता देना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आराम से दूर होगा, बेस्ट, ऑल द बेस्ट सर। गुड इवनिंग कमलेश जी, गुड इवनिंग, ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम सर। जो कोर्स में पीडीएफ दिया जा रहा है ना, क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम कुछ फ्री देते हैं, कुछ पेड होती हैं। जो पीडीएफ होते हैं वो बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मास्टर ट्रेनर की जो बुक है वो 400 पेजेस से ज्यादा बड़ी बुक है, ठीक है। तो उसकी एक अलग से प्राइसिंग होती है, आई थिंक उसको हम 2800 रुपये चार्ज करते हैं, उसकी 3000 MRP है, डिस्काउंट में 2800 की मिलती है। सो एक अलग से प्रॉपर है, वो कोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल जो मास्टर ट्रेनर बुक है हमारी बेस्ट सेलर बुक है, वो आपके पास अगर आप ट्रेनर है तो ज़रूर होनी चाहिए। उसके अंदर 21 वर्कआउट लेआउट है, मतलब बिगनर के लिए क्या वर्कआउट देना है, इंटरमीडिएट के लिए क्या देना है, एडवांस के लिए क्या देना है, जो बहुत सारे स्प्लिट्स होते हैं ना, जैसे क्लासिक ट्रिपल स्प्लिट, पुश पुल स्प्लिट हो गया, एग्निस एंटागनिस स्प्लिट हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे वर्कआउट पैटर्न, वर्कआउट शेड्यूल हैं उस बुक के अंदर दिए गए हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे 21 डाइट शेड्यूल दिए गए हैं, जो भी तरह की डाइट होती, चाहे फैट लॉस हो गए, मसल गेन हो गया, और आपकी कोई शेडिंग डाइट हो गई, एंडोमॉर्फ डाइट हो गई, एक्टोमॉर्फ डाइट हो गई, मेसोमॉर्फ डाइट हो गई, बुलेट प्रूफ डाइट हो गई, कार्ब साइक्लिंग हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, इन सब तरह की डाइट आपको उस बुक के अंदर मिल जाएगी। सो वो बुक काफ़ी कॉस्टली बुक है और बहुत ही यूजफुल बुक है। अगर आप वो ट्रेनर है तो आपके पास वो बुक होनी ही चाहिए। उस बुक मतलब समझ लो वो फिटनेस इंडस्ट्री में ब्रह्मास्त्र है। 42 शेड्यूल मिल रहे हैं उसमें आपको, अंदर 21 वर्कआउट शेड्यूल मिल रहे हैं और 21 आपको डाइट शेड्यूल मिल रहे हैं, ठीक है। सो उस बुक का आप ज़रूर परचेस करिए, इस्तेमाल करिए, देखिए। और यहाँ पर मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, आप यहाँ लाइव सेशन में जुड़े हुए तो मैं आपको एक ऑफर भी दे देता हूँ। अगर आप आज वो मास्टर ट्रेनर की बुक डाउनलोड करते हैं तो वो आपको 2400 रुपये मिल जाएगी, 2400, ठीक है, 2400 मिल जाएगी आपके लिए, 6000 प्राइस भी कम हो गया। और अगर आप आज डाउनलोड करते हैं तो आपको एक मसल गेन, जो हमारी मसल मॉन्स्टर बुक है, वो भी आपको फ्री दी जाएगी, ठीक है। आप हमारे ईमेल जो info@physiqueengineer.net है वहाँ पर एक मेल लिख दीजिएगा कि लाइव सेशन में हमारी जय सर से बात हुई थी तो उन्होंने हमको मसल मॉन्स्टर बुक फ्री में देने के लिए बोला है। और अपनी आप जो मास्टर ट्रेनर बुक डाउनलोड करेंगे उसकी रिसिप्ट वहाँ पर अटैच कर दीजिएगा, तो आपको मसल मॉन्स्टर मसल गेन जो प्रोग्राम है, डाइट है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट सर,
ताश करिए सर। गुड। हेलो टोपो जी, हेलो यार टोपो जी, अनरंजन टोपो जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत दिन बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। गुड, होप आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से वर्कआउट कर रहे होंगे, तगड़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑलवेज ऑलवेज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। मेनली क्या होती है, जो कमलेश जी मास्टर ट्रेनर बुक है वो इंग्लिश में है, क्योंकि क्या हमारा बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है, तो बुक्स हमको इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखनी पड़ती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हेल्प कर सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पहुँचा सके। इसलिए नॉर्मल इंग्लिश, ऐसा कुछ उसमें बहुत तो टेक्निकल नहीं है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, अभी बाइसेप है, तो बाइसेप को बाइसेप ही लिखेंगे ना, बाइसेप का हिंदी अगर आप करेंगे तो वो क्या होता है, आप नेट पर टाइप करके देखेंगे बाइसेप का हिंदी, तो मछली दिखाता है। सो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर हम हिंदी में बुक लिखते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में रहें। बड़ी ईजी लैंग्वेज होती है, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं समझ पाएंगे, ईजिली सब कोई समझ जाते हैं, तो ऐसा आप टेंशन मत लीजिए। मास्टर ट्रेनर बुक आपको बड़ी ही आसान सी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है। हेलो सत्यम जी, हेलो, कैसे हैं आप सर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, हेलो जय श्री, गुड इवनिंग, हेलो जय श्री गुजरात से, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड। ऑलवेज सर मैं कोशिश करूंगा लाइव मैं इसी तरह से आता रहूं, और पहले हमारा अच्छा रूटीन था कि हम हर संडे को लाइव मिलते थे इसी तरह से, फिर वो बीच में काफ़ी 40 डेज का गैप हो गया, अपने बिजनेस में बिजी हो गया था, इसलिए लाइव सेशन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। सो कोशिश करूंगा मैं जल्दी फ्रिक्वेंट लाइव आता रहूं। लाइव आने में बड़ा मज़ा आता है, आप जैसे लोगों से मिलने को मिलता है, बात करने को मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। क्या होता है, हम एक फैमिली की तरह है, फिटनेस फैमिली, हम चाहते हैं फिटनेस को, फिटनेस इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, ताकि हर बच्चा, हर घर है उससे कोई ना कोई जिम जाना चाहिए, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सेहत बनाएगा, है ना। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ होती है, अगर फिटनेस ऐसी चीज़ है, अगर आप जितना अच्छा शरीर बनाएंगे, जितना अच्छा आप अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो कॉन्फिडेंस आपके ज़िंदगी के हर फील्ड में रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपने देखा होगा जो अच्छा फिजिक है जिसका कॉलेज में, वो अच्छा पढ़ता भी है, ठीक है, क्योंकि उनका माइंड बहुत अच्छा चलता है, माइंड शार्प होता है, ऑक्सीजन लेवल आपके जो ब्रेन में है वो बड़ा अच्छा होता है, आपके न्यूरॉन्स बड़े एक्टिवेट होते हैं। सो एक्सरसाइज करते रहिए, करिए, मैं हमेशा बच्चों को भी बोलता हूँ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहो, ताकि आपका ब्रेन एकदम शार्प चले, ठीक है। सो हमारा कोशिश है कि हर घर, हर बच्चे को हम जिम तक ले जाएं, एक्सरसाइज करवाएं, फिटनेस पे लाएं, उसको अच्छे हैबिट पे लाएं, जहां पे वो अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छी से अच्छी डाइट कंज्यूम कर सके, और हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो रैपिड स्पीड से 100 गुनी तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़े। तो यहाँ पर हमें आपका साथ चाहिए, ताकि हम फिटनेस इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें, है ना। तो आप जैसे ट्रेनर, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं आप, हमको मालूम चला आपके बारे में, सो ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। गुड गुड सर, यस सर, आप ले सकते हो, और कोशिश करिए कि यहाँ पर सत्यम जी बहुत फेक आने लगे हैं आजकल ये प्रोडक्ट, तो बचिएगा उससे। एक कोशिश करिए जिस ब्रांड पे आप ट्रस्ट करते हैं वहाँ पे लीजिए, और उसको मिल्क के साथ कंज्यूम करिए। एक छोटा सा पी साइज होता है, पी साइज मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम को बढ़िया गर्मा गर्म दूध के साथ लीजिए, ठीक है। तो आपको, और कोशिश करिए कि रात में सोने के पहले ज़रूर कंज्यूम करिए, ठीक है सत्यम जी, आप ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, वेलकम सर। गिव अवे, यस सर, गिव अवे वाला चल रहा है अभी, 15 दिन बाकी है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, हमारा जो चैनल है फिजिक इंजीनियर, उसका अपना फेसबुक इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है, स्टोरीज नहीं, पोस्ट, प्रॉपर जो पोस्ट होता है, जो फोटोज डालते हैं हम कि, और वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चैनल को विजिट करिए, यहाँ पर 760 से ज़्यादा वीडियोज हैं फिटनेस से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं। ये आप पोस्ट अपने सोशल मीडिया में कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट हमारा जो ऑफिशियल ईमेल है info@physiqueengineer.net वहाँ पर भेज दीजिए, ठीक है। कुछ दिनों बाद हम टोकन जारी करेंगे, और वो टोकन आपके पास होगा, 1 तारीख को इस तरह से लाइव होगा, और डायरेक्ट आपको विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। सो गिव अवे आप रहेंगे, ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेडिटेशन का मंत्र, गुड सर, आप दिल्ली से हैं, जानकर बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या सर? क्या होता है, हमेशा लोग चैनल का नाम बड़ा अटपटा सा रखते हैं, तो नाम अच्छा है आपका, मैं नहीं बोल रहा बुरा है, अच्छा है, अच्छा लगा मुझे जान के। तो अगर आपका नाम रहता है ना, तो बुलाने में अच्छा लगता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि नाम से याद रखूँ आपको।
गुड मोहम्मद बाबू अली जी, गुड, बड़ा अच्छा लगा आपको जान के। आई थिंक आप काफ़ी दिनों से हमारे सब्सक्राइबर हैं। थैंक्स अलॉट बाबू जी, थैंक्स अलॉट सर। शिवतेज जी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर आप हमारे कोर्स के आई थिंक स्टूडेंट रहे हैं, है ना। तो आप जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 30 दिसंबर को, हर महीने हमारा एग्ज़ाम होता है, 30 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब हमारे मेल में लिख दीजिए कि एग्ज़ाम देना है हमको। हमारा जो मेल info@physicsengineering.net, आपको 29 तारीख को एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम का लिंक आता है, वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हर महीने की 29 तारीख को ही एग्ज़ाम लिंक जनरेट होता है, ठीक है। 30 तारीख को एग्ज़ाम होता है, एक दिन पहले हम डिटेल्स भेजते हैं, तो आप 29 को आई तक रजिस्टर कर दीजिएगा अपने आप को, फिर नेक्स्ट डे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट सर। गुड सर, थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, थैंक्स अलॉट मोहम्मद जी, थैंक्स अलॉट अली जी, थैंक यू सो मच। सो बहुत देर से हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं, 41 मिनट्स का हो गया, काफ़ी लंबा ये लाइव सेशन हो गया। सो थैंक्स अलॉट मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, बहुत सारे लोग इस लाइव सेशन में जुड़े, थैंक यू सो मच। और जो जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर, उनको थैंक्स अलॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपके सपोर्ट की वजह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाएं। कल न्यूट्रिशन का एक बड़ा लंबा सा वीडियो आने वाला है, एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए, बड़ा ही अमेजिंग वीडियो है, वो भी बहुत लंबा वीडियो, आई थिंक यार अबाउट 40 मिनट्स का वीडियो है, बड़ी ही कमाल की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आप आने वाली है। सो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। न्यूट्रिशन के अभी हमने पिछले 10-15 बड़े अच्छे वीडियो डाले हैं, तो उनको ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वर्कआउट के तो बहुत सारे वीडियोस हैं, और जो एडवांस पर्सनल ट्रेनर है उसके बहुत सारे वीडियोस हैं, तो देखने को चैनल मिल ही जाएंगे। उन वीडियोस को धीरे धीरे देखते रहिए, आप मेक श्योर करिए कि 10 वीडियो आप रोज रोज देखिए, डेली देखिए, एक हैबिट बना लीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि आज दिन के 5 बजे मुझे 10 वीडियो देखने हैं और उनके नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे। मेनली क्या होता है, जब आप दिन में थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहे, तो आप साल में देखेंगे आपके पास बहुत सारा नॉलेज एक्वायर हो गया, ठीक है। आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बहुत आगे निकलते जाते हैं, अगर आप दिन में थोड़ा थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो साल के एंड में क्या होगा, 365 घंटे आप एक्स्ट्रा पढ़ चुके होंगे अपने कॉम्पिटिटर से, 365 गुना आप आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है। सो मेक श्योर पढ़ाई पे जरूर ध्यान दीजिए, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सर, आप कहीं भी जॉब ले सकते हैं हमारे सर्टिफिकेट के थ्रू, इवन वो हर जगह वैलिड है, इंटरनेशनली वैलिड है, आप कहीं भी जाएंगे सर्टिफिकेट रहेगा आपके पास, आराम से आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इवन हम अपने जिम में भी कई सारे प्लेसमेंट देते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमारे जिम में काम कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। ऑल द बेस्ट सर। और यहाँ पर फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, हमारा जो एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स है, आज के दिन 50% का ऑफ मिल रहा है, केवल आप 5,000 रुपीज में आज एनरोल कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, अपने आप को एनरोल करिए, अपने नाम की एक सीट बुक करिए, ठीक है। और ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं है ये, जो ज़्यादा सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है। सो एक्शन लीजिए, ठीक है। लोग हर चीज़ करते हैं, इंटेंशंस बहुत अच्छी रहती हैं, सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन एक्शंस नहीं करते। जब आप एक्शंस करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सो यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जाइए एनरोल करिए, रजिस्टर करिए, पढ़ाई स्टार्ट करिए, एग्जाम दीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए और सबको बढ़िया ट्रांसफॉर्म करिए। ऑल द बेस्ट। मैं इस लाइव सेशन को यहीं एंड करता हूँ, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।